अरिहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन इते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हे जिनेंद्र देव, जैसे आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जावे, इस भावना से ये मंगलाचरण किया है। और जैन परंपरा इस बात के लिए प्रसिद्ध रही है इतिहास में कि हमारे इस जैन परंपरा में भक्त नहीं भगवान बनने की बात कही है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा दर्शन है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। सारे दुनिया के देवी देवता ये कहते हैं कि हमारे चरणों की शरण में आ जाओ, लेकिन हमारे परमात्मा ये कहते हैं हमारे बगल में आकर के बैठ जाओ। कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे भगवान? कोई मिलेगा आपको ऐसा पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जो ये कहे कि बगल में आकर के बैठ जाओ? ऐसे भगवान हैं हमारे, माने हम उन भगवान के भक्त हैं जो भगवान भक्त बने रहने की नहीं भगवान बनने का संदेश देते हैं। इसलिए मंगलाचरण करते हुए भी उनके सच्चे भक्ति ये कहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। इन पंक्तियों के अमर रचनाकार पंडित प्रवर टोडरमल जी हैं। जानते हैं आप, जयपुर के ऐसे महान विद्वान जिनका जन्म आज से लगभग 300 वर्ष पहले हुआ। जैन धर्म और जैन संस्कृति और जैन सिद्धांतों के लिए प्राण चले जाएं इस कीमत पर भी उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज जितना वस्तु स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है उसमें बहुत बड़ा योगदान है पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब का। यदि टोडरमल जी साहब ना होते तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो क्या होता, क्या किया टोडरमल जी साहब ने। तर्क से, युक्ति से, न्याय से, प्रमाण से एक एक बात को इस तरह से खोल खोल करके प्रस्तुत किया इस ग्रंथ राज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने, जिसकी एक एक पंक्ति अमर वाक्य जैसी हो गई है। ऐसा है संजय जी, आप अपने चित्त में कोई प्रश्न उठाओ, इसको पढ़ते समय आपको आगे की लाइनों में वो प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा ग्रंथ है, जो प्रश्न आपके मन में खड़ा हो टोडरमल जी के आगे लाइनों के अंदर आपको वही प्रश्न लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या चिंतन किया इन्होंने, ऐसा ग्रंथ लिखा है इन्होंने टोडरमल जी ने। ग्रंथ लिखने वाले तो बहुत हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन टोडरमल जी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने अकेले शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र नहीं लिखा, जिन्होंने आत्मा को भी पढ़ा था। क्या लगता है आपको? चले ठीक नहीं, जिन्होंने आत्मा को भी पढ़ा था। आप सोच सकते हैं आत्मानुभवी, और आत्मानुभवी भी बहुत हो लेकिन शास्त्र नहीं पढ़े हो तो क्या होगा। टोडरमल जी उन विद्वानों में से थे जिन्होंने आत्मा को भी पढ़ा और जिन्होंने शास्त्रों को भी पढ़ा, जिन्होंने न केवल जैन शास्त्रों को पढ़ा, उन्होंने अन्य मत के शास्त्रों को पढ़ा, दूसरे धर्म दर्शन के शास्त्रों को पढ़ा। नहीं तो कैसे तर्क की कसौटी पर कस करके देख पाते कि ये धर्म दर्शन सच्चा दर्शन है। एक एक ग्रंथों को पढ़ा उन्होंने, और कितने अन्य मत के ग्रंथों के प्रमाण इसमें प्रस्तुत किए हैं, हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इतने ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने इन सबको पढ़ा होगा, लेकिन टोडरमल जी उन विद्वानों में से थे जिन्होंने समाज को भी पढ़ा, और इतना गहराई से पंडित जी साहब ने समाज को पढ़ा कि आज समाज में व्याप्त विकृतियों को यदि देखा जाए तो 250 साल पहले
पौने 300 साल पहले जिनका उल्लेख, जिनकी चर्चा पंडित जी साहब ने यहाँ कर दी, आज वे गलतियां जो की क्यों नजर आती हैं। इस मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ का पेज नंबर 220 नंबर का पेज वो गवाह है इस बात का। ऐसा चित्रण किया उन्होंने, उस चित्रण को पढ़ करके ऐसा लगता है भक्ति करने वालों की खिंचाई की, पूजन करने वालों की खिंचाई की। जैन ध्यान होगा आपको तो, राजकुमार जी का ध्यान है 220 नंबर पेज पर जो प्रकरण दिया है, पूरा पढ़ना संजय जी वैसा मजा आएगा आपको। भक्ति करने वाले, पूजन करने वाले, व्रत करने वाले, उपवास करने वाले, तपश्चरण करने वाले, नियम संयम का पालन करने वाले, दान देने वाले, एक एक व्यक्ति की खिंचाई दो दो लाइन में, और जो खींच के दिए उनके तमाचा मारा है कि देख, मुंह से पाठ करता है, दृष्टि कहीं घूम रही है और चित्त कहीं है, इसका नाम तो भक्ति नहीं है। भगवान के सामने खड़ा हुआ है, तीन लोग के नाथ सामने विराजमान है, भक्ति कर रहा है, मुंह से तो पाठ बोल रहा है, अर्घ समर्पित कर रहा है और निगाहें घूम रही है, कौन आया है, कौन है, अच्छा वो आगे क्या, इसका नाम तो भक्ति नहीं है, इसका नाम तो पूजन नहीं है। एक एक बात को इतना गहराई से उन्होंने पकड़ा है और आज हालत वो की वो दिखाई दे रही है। पौने 300 साल पहले टोडरमल जी द्वारा किया गया वो चित्रण, समाज का जो चित्र उन्होंने खींचा, वो चित्र आज भी जो का त्यों दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने पौने 300 साल पहले जो क्लिक किया था ना, वो फोटो आज निकल रही है, आज दिखाई दे रही है वो फोटो। जब भक्ति करने वाले, पूजन, उपवास, व्रत, संयम ऐसे करने वालों की जब भूख खिंचाई की, तो हो सकता है स्वाध्याय करने वाले थोड़े प्रसन्न हो रहे हो। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने स्वाध्याय करने वालों की खिंचाई की। क्या तो स्वाध्याय करता है तो पद्धति रूप से स्वाध्याय कर जाता है, शास्त्र में जो लिखा है उसे भांज देता है, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। शास्त्र का जो मर्म है, जो बात कहना चाहते हैं, उसकी गहराई में जाकर के नहीं उतरता है। कहां बैठ करके बात की पंडित जी साहब ने, कभी कभी सोचता हूं उनका जो ब्रेन था वो कहां, कैसा होगा, कैसा दिमाग होगा उनका, उनकी सोच कैसी होगी, उनका चिंतन कैसा होगा। ये 300वां जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं उनका, इस वर्ष टोडरमल जी साहब का 300 साल हो गए उस महापुरुष को। अब संयोग से वो जिस मंदिर में बैठ करके प्रवचन करते थे, वहीं हम बैठ करके स्वाध्याय करते हैं रोजाना, उसी जिन मंदिर में बैठ करके। बड़ा आनंद आता है, कैसे व्यक्तित्व रहे, क्या काम किया उन्होंने। तो मैंने कितनी बातें कही कि टोडरमल जी ने आत्मा को पढ़ा, टोडरमल जी ने अन्य मत के ग्रंथों को पढ़ा, टोडरमल जी ने जैन समाज की जैनियों के ग्रंथों को पढ़ा, और इन सब को पढ़ने के अलावा समाज को पढ़ा, और समाज को पढ़ करके लिखा उन्होंने। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज में व्याप्त पंडितों को पढ़ा, विद्वानों को पढ़ा, और विद्वानों की भूले निकालने का प्रयास किया। विद्वान कहां कहां पर गलती कर जाते हैं, कौन कौन सी जगह पर उनकी चूक हो जाती है, विद्वानों के माध्यम से उसे गहराई से पकड़ने की कोशिश की पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने। इसलिए कहते हैं ये पंडितों के पंडित थे, ये पंडित प्रवर थे। आचार्य कल्प की उपाधि से इन्हें नवाजा गया, आचार्य कल्प, आचार्यों जैसा काम किया। कई अर्थ हो सकते हैं इसके, किसने चलाया, अभी बीच में ऐसा प्रश्न उठ गया था कि आचार्य कल्प कहां से लगा दिया इनके पास में, इनके नाम के पहले, इसका क्या हेतु हो सकता है। तो पुराने तलाशी सब कहां से चला आ रहा है, तो कुछ पता नहीं लग सका, लेकिन बहुत पुराना चला आ रहा है। इस पंचम काल में जिस समय में टोडरमल जी हुए थे, उस समय हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में दिगंबर संतों का सद्भाव नहीं था, एक भी दिगंबर मुनि नहीं थे उस समय। टोडरमल जी जिस समय में हुए, माने जो शांति सागर जी की परंपरा कहते हैं ना ये लोग सब, तो उससे पहले लगभग 250-300 साल का ऐसा गैप था, जिस गैप में एक भी दिगंबर मुनि, दिगंबर संत इस उपलब्ध दुनिया में कहीं भी नहीं था। तो ऐसे समय में जब टोडरमल जी ने काम किया, तो निश्चित तौर पर इनके द्वारा किया गया काम लोगों को देख करके ऐसा लगा होगा कि इन्होंने आचार्यों जैसा काम किया है। इसलिए इनके नाम के पहले आचार्य कल्प, माने आचार्य तुल्य, आचार्यों के समान। जो कार्य इस पंचम काल में बड़े बड़े आचार्य न कर पाए,
ऐसा कार्य इन्होंने कर लिया अल्प आयु में, इसलिए आचार्य कल्प कहलाए। एक कल्प शब्द का प्रयोग होता है कल्प वृक्ष के अर्थ में, और टोडरमल जी की ऐसी प्रतिभा थी कि ये कल्प वृक्ष जैसे थे, इनसे जो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रश्न पूछे इनके पास में उनका जवाब होता था, इसलिए ये कल्प कहलाए। कल्प वृक्ष की तरह जो आपको मिलता है ना, जांचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंता रेन और बिन जांचे बिन चिंतए। अर्थ पता है भाई लोग, जांचना करने से सुर तरु कल्प वृक्ष देता है देय सुख। जांचे माने जांचना करने से सुर तरु देय सुख माने कल्प वृक्ष देता है, और चिंतत चिंता करने से विकल्प करने से चिंतामणि रत्न देता है, और बिन जांचे और बिन चिंताए ये धर्म ऐसा है जो सर्व प्रकार के सुखों को देने वाला है। इसमें मांगने का काम नहीं, भिखारीपन नहीं है वैसा इसमें। ये जैन दर्शन भिखारीपना नहीं सिखाता है। हमारे यहाँ रंज मात्र भी मांगने का काम नहीं है। मांगते होंगे नहीं भाजी? अरे नहीं भाई, अपने काम मांगने का क्या काम, हम लोग तो नहीं मांगते। सही कह रहा हूँ भाई साहब? अपन कहा, अपन तो बचपन से अपने संस्कार ही इसी तरह के हैं कि भगवान कुछ देते नहीं है अपने, तो हमारे भगवान कुछ देते लेते नहीं है, भगवान करता धरता नहीं है। संजय जी कभी कभी जब ऐसे बराबर के दोस्त लोग जब चर्चा करते हैं इस तरह की कि क्या बात करते हो आप ऐसा कहोगे तो लोग मंदिर कैसे आएंगे, दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। मैं सिर्फ एक बात उन लोगों से कहता हूँ, वो आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ, आप कह सकते हो किसी और को कि मुझे तो एक बात बतला दो कि हमारे भगवान की प्रतिमाएं हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी हुई है। बस एक छोटा सा प्रश्न है हमारा, तो हमारे जैन मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं ये हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठी है। मैंने सुना यहां भी रतलाम में आपके मंदिर बनाने की प्लानिंग चल रही है। जैन जी भाई साहब मंदिर बनाओ तो एक आध कोई प्रतिमा ऐसी बनाना जिसमें आशीर्वाद देते हुए हो, आदिनाथ भगवान की ऐसी प्रतिमा हो, भक्त बेचारे आते हैं बहुत आशा लिए हुए, थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए उन लोगों को भी। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पूरे दुनिया के किसी दिगंबर जैन मंदिर में एक भी भगवान की प्रतिमा आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों में से एक की भी प्रतिमा कहीं आशीर्वाद देते हुए आपको दिख जाए तो मुझे बतलाना, रिकॉर्ड में नोट कर लूंगा। पूरे दुनिया भर में घूमा हूं कहीं नहीं मिली मेरे को ऐसी प्रतिमा। क्यों, आखिर क्यों, कारण क्या है? एक ही कारण है कि भगवान आशीर्वाद नहीं देते। भक्तों को मिल जाए क्या बिगड़ जाएगा, बोलो? नहीं दे रहे हैं आजकल सब, भक्त आते हैं बेचारे, आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए भक्तों को कि नहीं दे रहे? यहां देने लेने का काम नहीं है, यहां भिखारीपन नहीं है, यहां तेरी निधि तेरे पास में है, उसका अवलंबन ले। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। सारे पुरुषार्थ झूठे हैं, तेरी निधि तेरे पास में है भाई, तू स्वयं भगवान है। दो तरह के भगवान होते हैं मालूम है आपको? अभी दादा की वहां सुनाई थी अभी आपके ना, दो तरह के भगवान। एक वे भगवान जो मंदिर में विराजमान है, और दूसरे वे भगवान जो देह देवालय में विराजमान है। क्या भैया? जो वहां मंदिर में विराजमान है वे जो भगवान है, वे भगवान पर्याय में भगवान बने हैं। जो मंदिर में विराजमान है वो आदिनाथ है, और जो देह देवालय में विराजमान है वो अनादिनाथ है। वो आदिनाथ अनादिनाथ का आश्रय लेकर आदिनाथ बने। अंदर भी तो भगवान है, उस भगवान को देखो। ये तो दादा की कविता थी जो दादा ने अभी लिखी, भगवान दो तरह के। अब मैं ऐसा कहता हूं भक्त दो तरह के, और कभी कभी तो थोड़ा और कठोर शब्दों में कह देता हूं तो कहता हूं भिखारी दो तरह के। कौन से दो तरह के भिखारी?
एक भिखारी वो जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं, जो मंदिर के बाहर बैठकर के भीख मांगते हैं वे थोड़े फटे हाल होते हैं, उनके कपड़े फटे होते हैं, उनकी हालत बिगड़ी हुई होती है, लेकिन उन भिखारियों की डिमांड बेचारों की 2-5 रुपए से ज्यादा नहीं होती। क्या? दूसरे प्रकार के जो भिखारी हैं वो थोड़े से स्टैंडर्ड के होते हैं। क्या वो कौन है? वो मंदिर के बाहर नहीं बैठते, वो मंदिर के अंदर आकर के मांगते हैं। क्या? और 2-5 रुपए से काम नहीं चलता उनको, 2-5 तो गुल्लक में डाल के जाते हैं। क्या? थोड़ा सा ज्यादा हो तो 50 का नोट, 100 का नोट, और थोड़ा सा ज्यादा हो तो 500 का नोट गुल्लक में डाल जाएंगे। लेकिन डिमांड कितनी है? डिमांड बड़ी होती है उनकी। छोटा मोटे से काम नहीं चलता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ऐसे लोगों के बीच में प्रवचन करता हूं कि जो भगवान से मांगते हैं। हम तो नहीं मांगते ना, बिल्कुल नहीं। कोई है तो नहीं, कोई हो तो फिर मैं उस तरह से चर्चा करूं। कोई नहीं है ना यहां, तो कोई भी नहीं है पक्का बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं मांगते साहब, बात तो सच्ची है, कोई मांगते नहीं है डायरेक्ट, तो कोई नहीं मांगता क्योंकि डायरेक्ट मांगे तो मुख चुके से हम मांग नहीं सकते भाई साहब, भगवान हमारे करता धरता नहीं है। लेकिन सच बात बतलाना, जब माथे पर कोई संकट मंडराता है क्या, और आप किसी क्षेत्र पर दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपके दिलो दिमाग में क्या घूमता है? हे भगवान, हो सकता है आप मांगे नहीं, लेकिन निर्मल जी साहब क्या क्या कहेंगे? हे भगवान, संकट बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन तो भी मैं क्या करूं? संकट तो है माथे पर, माने हमारे दिमाग में, दिल के कोने में कहीं ना कहीं यह बात बैठी रहती है कि भगवान भले ही आप नहीं करोगे लेकिन कुछ तो हो जाए ऐसा। बस आप तो करता धरता नहीं है, ये बहुत चोट मारी है इन्होंने, पंडित टोडरमल जी साहब ने कदम कदम पे ऐसी बातें कही है। ये बातें आज हमारे को यदि सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, यदि गुरुदेव श्री की वाणी यदि हमारे को सुनने को मिली है, और गुरुदेव श्री का जो परिवर्तन हुआ है उसमें यदि सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब का है। यदि ये नहीं होते तो शायद वे मुंह पट्टी नहीं उतार पाते, यदि ये नहीं होते तो उनका परिवर्तन नहीं होता। वो जो परिवर्तन किया उन्होंने और दिगंबर धर्म को स्वीकार किया, खुलेआम स्वीकार किया, जगत के सामने स्वीकार किया, ये देन है इन टोडरमल जी साहब की। इनके तर्क, इनकी युक्तियां, इनके द्वारा कही गई बारीक बातें, और जो खींच खींच करके मारते चाटे ऐसा लगता है कि भाई कहां घबरा रहे तू। सुनो, कभी कदाचित ऐसा हो आपसे कि आपने कोई बात सुनी और आपको ऐसा लगे कि मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, मैं पालन तो कर नहीं पा रहा हूं, अभी तो सुना मैंने, अब मैं कर नहीं पा रहा हूं, कोई बात तो नहीं, सुनना बंद मत करना। ज्ञान और चारित्र इन दोनों का सुमेल कहा है हमारे यहां शास्त्रों में। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान और क्रिया दोनों का सुमेल होना चाहिए, लेकिन ज्ञान पहले होता है और चारित्र बाद में होता है। ज्ञान के साथ चारित्र नहीं कहा, ज्ञान के साथ श्रद्धां तो कहा, श्रद्धां और ज्ञान तो साथ में कहा, लेकिन चारित्र बाद में कहा। इन पंडित टोडरमल जी साहब ने 9वें अध्याय में इस बात को तर्क सहित सिद्ध किया कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है लेकिन चारित्र नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, घबराना मत, मुझे मालूम है हमारे मोक्ष मंडलों की सभाओं में तो यही चर्चा चलती है कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों है। समझना क्या कह रहा हूं, चौथे गुणस्थान में जितना अनंतानुबंधी का अभाव हुआ उतना चारित्र है, यही पढ़ते होंगे सब, उतना चारित्र है, चारित्र मोहनी की प्रकृति गई है तो उतना चारित्र प्रकट हो गया कि नहीं?
स्वरूप चरण चारित्र है कि सम्यक चरण चारित्र है, चौथे प्रस्थान में चारित्र है। हम तो यही सिद्ध करते आए हैं बचपन से आज तक, यही सुनते आए हैं हमारी पूरी परंपरा में, विद्वत परंपरा में यही कहते हैं सब लोग। लेकिन टोडरमल जी को उठा करके देखो, नौवें अध्याय में वो प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं इस बात को कि चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं है, मोक्ष मार्ग ही नहीं है चौथे गुणस्थान वाला। क्यों नहीं है? वो ये कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में श्रद्धा तो बदली है, ज्ञान तो बदला है, दिशा बदली है, लेकिन अभी कदम नहीं बढ़े हैं, कदम नहीं बढ़े हैं अभी। इसलिए ज्ञान होते ही चारित्र का हटाग्रह मत रखना। प्रश्न तो अभी समझ लीजिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है दिमाग में, ऐसा लगता है अरे यार ये तो अभी तो सुन करके आए हैं, अब कैसे हो सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है, रात्रि में पानी पीना कि नहीं पीना, कि नहीं पीना, अभी तो सुन करके आए हैं नहीं पीना, अब क्या करूं, मेरे से तो छूट नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, यदि नहीं हो पा रहा है तो, यदि अभी पालन नहीं हो पा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर मुझे पाप ज्यादा लगेगा, जानते हुए भी करूंगा तो पाप ज्यादा लगेगा, ऐसी भी घबराहट होती है लोगों को। बोलो, जानते हुए करेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा कि बिना जाने करेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा? बिना जाने करेंगे तो, जानते हुए करेंगे तो क्यों भाई? बोलो, दोनों बातें। तुम्हें क्या पढ़ाया मंगलायतन में? बिना जाने ज्यादा पाप लगता है बेटा, बिना जाने ज्यादा पाप लगता है। मैं टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ सामने रख करके बैठा हूँ। पंडित जी साहब ये कहते हैं तीन प्रकार से कर्म का बंधन होता है। कर्म बंधन के तीन मुख्य हेतु कहे गए हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। तीन मुख्य कारण है बंधन, किस कारण से? कर्म बंधन, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये तीन प्रमुख कारण है। अब इन तीन में से आपको कुछ पता नहीं है और कुछ भी चल रहा है तो तीनों का पाप लग रहा है ना, मिथ्या दर्शन का तो लग ही रहा है। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो तब तक सत्तर गुणा कोड़ी सागर का बंध निरंतर चल रहा है दर्शन मोहनी का। सप्तर्मोहनीयस्य जो सूत्र दिया है उमा स्वामी आचार्य देव ने, अच्छा चारित्र में भी पालन हो ही नहीं रहा है उसका भी लग रहा है और अज्ञान का भी पाप लग रहा है। अब सुनो बात, अब जब आपने बात सुनी कि द्विदल नहीं खाना चाहिए, आपने बात सुनी यमिकंद नहीं खाना चाहिए, आपने बात सुनी कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, आपने सुनी कि रात्रि में पानी भी नहीं पीना चाहिए, जो भी बात आपने सुनी, और सुनते ही अब पालन तो हो नहीं पा रहा है। अब आपको लगा कि यार ये क्या फंसा दिया मेरे को, पहली बार तो प्रवचन सुनने के लिए गया मैं, अब वहां मेरे को ऐसा इन्होंने समझाया, अब खाओ तो मरे और नहीं खाओ तो मरे, अब क्या करें बताओ, अब फंस गए हम तो, अब क्या करें ऐसी स्थिति में। भाई जाना बंद मत करना, सुनना बंद मत करना, पालन नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुनने के बाद समझने के बाद अज्ञान संबंधी पाप का बंधन तो बंद हो गया। समझ में आ रही है बात? मिथ्या दर्शन और असंयम संबंधी बंद तो हो रहा है, अज्ञान संबंधी बंद हो गया ना। मैं बहुत सुंदर हेतु देता हूं, बहुत सारे तर्क हैं मेरे पास में इस बात को सिद्ध करने के लिए। एक व्यक्ति, एक पाइप है, पिलर है, कोई लोहे का है और उसमें करंट आ रहा है बहुत तेज। एक व्यक्ति को पता है कि इसमें करंट आ रहा है और एक व्यक्ति को पता नहीं है कि इसमें करंट आ रहा है। बोलो, दो व्यक्तियों को कहा जाए इसे छोड़िए, टच कीजिए, छुइए इसे, किसको ज्यादा झटका लगेगा? बोलो संजय जी, किसको किसको? देखो सुनो, जिस व्यक्ति को पता है ना उसके कम झटका लगेगा। हाथ लगाना है आपको, वो ऐसे लगाएगा, उसको पता है। और जिस व्यक्ति को पता नहीं है वो क्या करेगा? वो ऐसे पकड़ेगा उसको। किसको ज्यादा करंट आएगा भाई साहब, जानने वाले को कि बिना जानने वाले को?
बिना जानने वाले को, इसलिए जानना तेरा स्वभाव है, जानना हमारा गुण है, आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव का विरोध करने का कभी प्रयास मत करना, ज्ञान को कभी रोकने का प्रयास मत करना, आराधना और समझ से कभी पीछे हटने का प्रयास मत करना। अनादि काल से आज तक समझे नहीं है हम, इसलिए अनंत काल बिताया है हमने, अब समझ से पीछा नहीं छुड़ाएंगे, समझेंगे 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 हम। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे क्यों पाप लगेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। वो व्यक्ति ये कहे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे क्यों करंट आएगा। बोलो, दुनिया में ऐसा हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति आपके यहां बैठ, दोनों चालू लगती है कि नहीं गाड़ी में, आगे ड्राइवर सीट पर बैठ लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, ड्राइवर के बगल वाला भी कंपल्सरी नियम तो है लेकिन लगाते नहीं है, आगे तो आदत में नहीं है आपके, हमारे यहाँ तो आदत में, जयपुर में तो ऐसा चलता है हमारे, एक कदम भी नहीं चल सकते आप, दोनों लोग आगे वाले बिना बेल्ट के नहीं चल सकते। अब आपकी आदत में नहीं था और आप जयपुर आए गाड़ी लेकर के और आपको ध्यान नहीं रहा, बोलो पुलिस वाला छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। आप कह दो यार नया नया है, मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं था तो छोड़ देंगे। अरे पता नहीं था यार, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो तुम, मेरे किस बात का चालान बना रहे हो, क्यों रसीद बना रहे हो, मुझे मालूम नहीं था। सुनो भाई साहब, अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। क्या अज्ञानता कोई बचाव नहीं है? आप इस गलत फहमी में मत रहना कि मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे समझ नहीं थी, मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था इस बात का, इसलिए मैं बच जाऊंगा। अरे तुझे पता क्यों नहीं था ये बता, तू हिंदुस्तान का नागरिक है, तू भारत का नागरिक है, तुझे पता होना चाहिए। आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाओगे और पकड़ लिया गया तो बोलो चालान होगा कि नहीं होगा, होगा। और आपको पता नहीं था, मैं तो गांव से आया हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो गाड़ी पहली बार चलाई है, बिना हेलमेट के चलाई, बिना बेल्ट लगाए हुए चलाई, तो क्या होगा, पता नहीं था मेरे को। कि नहीं पता होना चाहिए तुझे, मुझे नहीं मालूम था। अब हम ये कह रहे हैं अरे साहब हमें पता ही नहीं था कि आलू नहीं खाते, तुझे पता होना चाहिए। तू जैन कुल में पैदा हुआ है, तुझे पता होना चाहिए कि जिनवाड़ी माँ क्या कह रही है, तुझे पता होना चाहिए ये वीतरागी जिनेंद्र देव क्या कह रहे हैं, तुझे पता होना चाहिए वस्तु स्वरूप क्या है। ये नहीं सब, मैं तो जैन कुल में पैदा ही नहीं हुआ, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मैं सब कुछ खा रहा हूं। तो तुझे पता होना चाहिए तूने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, एकदम हमारे कुल में नहीं है, हमारे तो ऐसा ही चलता है, होता होगा, तुझे पता होना चाहिए। ये किसकी जवाबदारी है बताओ? एक व्यक्ति की सजा दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलती भाई साहब, हर व्यक्ति को अपनी अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। दूसरों के बारे में मत विचार करो, बड़े पंडित जी का वाक्य है ना, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ना है। किसी के लिए भी भाव बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ेगा भाई साहब। दूसरे के समझाने से क्या होगा, संभालने से क्या होगा, बिगाड़ने से क्या होगा, मुझे तो अपनी देखनी है, मेरा क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं भविष्य में क्या होगा साहब, पता नहीं जैन धर्म तो ऐसा खत्म होता जा रहा है, क्या बताएं साहब, हालत ही खराब है आजकल तो, युवा पीढ़ी ये दो पांच ऐसे दिखते हैं, बाकी तो कहाँ दिखते हैं, सब सफेद बालों वाले दिखाई देते हैं सब जगह स्वभाव में लोग। अरे साहब इतना खराब काल आ गया है आजकल तो, ऐसा कहते हैं कि आप आलू प्याज की बात कर रहे हो, अरे वेज नॉन वेज का विवेक नहीं है जैन समाज के बच्चों, ऐसी ऐसी चर्चाएं करते हैं लोग, ऐसी बातें कहते हैं। आपके यहाँ तो रतलाम तो छोटी जगह है ना, हमारे जयपुर में तो हालत ऐसी है भाई साहब, कल्पना नहीं कर सकते आप। हमें नहीं मालूम, हमारे संपर्क में नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन लोग आ करके ऐसा बतलाते हैं कि पंडित जी आपको पता नहीं है आप कौन सी दुनिया में रहते हो। ये जो दाम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं ना ये दुकानों पर, ये जैनियों की देन है, ऐसा कहते हैं, ऐसी हालत है। फिर लोग ऐसे मिल जाते हैं बुजुर्ग लोग, बहुत चिंता करते हैं, अरे साहब क्या होगा जैन धर्म का, हैं कुछ संभालो समझाओ कुछ, बहुत बहुत मुश्किल है भाई, ये कैसे चलेगा, वो ऐसी चिंताएं व्यक्त करते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ कि तुम्हें पता है जैन धर्म किसका नाम है, आपको मालूम है जैन धर्म क्या है,
जैन धर्म किसे कहते हैं? जैन धर्म ये नहीं है कि दो व्यक्तियों ने पालन नहीं किया और जैन धर्म खत्म हो गया, पंचम काल के अंत में या छठे काल के अंत में जैन धर्म खत्म हो जाएगा, वो जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म अग्नि की उष्णता का नाम है, अग्नि का स्वभाव जैन धर्म है, मिश्री की मिठास जैन धर्म है, नमक का खारापन जैन धर्म है, मिर्ची का तीखापन जैन धर्म है, आत्मा का जानना देखना स्वभाव ये जैन धर्म है। मिर्ची में से तीखापन मिटा सकते हो क्या आप? मिश्री में से मीठापन निकाल सकते हो क्या? नमक में से खारापन नहीं। नहीं साहब, पंचम काल चल रहा है, धीरे धीरे पता नहीं, अभी तो देखो 2000-4000 साल बाद में नमक मीठा आने लग जाएगा, ऐसा होता है? मिश्री में से मिठास निकल जाएगी, चौथे काल में अग्नि कैसी होती होगी? चौथे काल की अग्नि तो भाई साहब भयो, अग्नि तो अग्नि जल्दी होती है, क्या बात कर रहा है? और चौथे काल का नमक कैसा होता होगा? चौथे काल की शुगर कैसी होती होगी? मीठी। चौथे काल में भी क्या बात कर रहे हो, चौथे काल में भी ऐसी होती है। अच्छा, और विदेश क्षेत्र में भाई साहब, विदेश क्षेत्र में तो मीठी नहीं होती होगी, क्यों? अरे भाई साहब, ये वस्तु का स्वभाव है, ये वस्तु का स्वभाव क्षेत्र काल की परिस्थितियों के अंदर बदलता नहीं है। ये जैन धर्म वो दर्शन है जिसे क्षेत्र की मर्यादाओं में नहीं बांधा जा सकता है। ये जैन दर्शन वो दर्शन है जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। मेरी एक छोटी सी पुस्तक है काल चक्र नाम से, उस काल चक्र वाली पुस्तक में मैंने प्रश्न उठाए कुछ, जब काल चक्र के संदर्भ में मैंने पूरी विस्तार से चर्चा की, आगम प्रमाण से सब कुछ बदल जाता है काल के हिसाब से। पहले यहां इसी धरती पर जहां हम बैठे हुए हैं रतलाम में, यहां कल्प वृक्ष हुआ करते थे भाई साहब, कल्प वृक्ष थे यहां इस धरती पर ऋषभदेव स्वामी के पहले इसी जमीन पर, आज नहीं है। छठे काल के अंत में प्रलय आ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, भोग भूमि का काल, कर्म भूमि का काल, काल परिवर्तन, कभी चौथा कभी पांचवा कभी पहला दूसरा तीसरा, ये काल परिवर्तन होते रहते हैं, समय के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। तो प्रश्न उठाया मैंने लास्ट में वहां उस पुस्तक में, मैंने कहा समय के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है, इस गलतफहमी में मत रहना, वस्तु का स्वरूप कभी नहीं बदलता है। कितना भी परिवर्तन हो जावे लेकिन उस परिवर्तन के बावजूद भी आत्मा का स्वभाव कभी नहीं बदलता, मेरा जानना देखना स्वभाव कभी नहीं बदलता, नमक का खारापन कभी नहीं बदलता, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कभी नहीं बदलता। इस धोखे में मत रहना कि चौथे काल के अलग होंगे और पंचम काल के अलग होंगे, गलतफहमी में मत रहना। यदि आप गलतफहमी की बात करेंगे तो फिर मैं ये कहूंगा पंचम काल के भगवान ऐसे होंगे जो आशीर्वाद देते हुए होंगे। यदि आप तैयार हो तो फिर हम मानने को तैयार है। देव को भी बदलो, आप गुरु को बदलने की बात कर रहे हो, आप शास्त्र को बदलने की बात कर रहे हो, आप देव को बदल सकते हैं। चौथे काल की प्रतिमाएं कैसी होती थी बाबूजी? वीतरागी प्रतिमाएं। चौथे काल के देव कैसे होते थे? हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ रहा जैसे। बोलो पंडित जी साहब, अरे आप तो रतलाम के ही हो, मैंने कहा आप यहाँ पधारे सिद्धार्थ जी साहब दोषी, रतलाम के 25 साल पुराना परिचय है हमारा, 30 साल पुराना। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, कुछ करना धरना नहीं है। अरे हमारे भगवान जब ऐसे ही हैं, चौथे काल में, तीसरे काल की बात करता हूं, चौथा छोड़ो, चौथे से भी पहले तीसरे काल के अंत में भरत जी ने त्रिकाल 24 की स्थापना करवाई थी कैलाश पर, मालूम है आपको? भरत जी ने त्रिकाल 24 के जिनाले बनाए थे, ऋषभदेव के पुत्र भरत जी ने। तो वो जो प्रतिमाएं विराजमान की होंगी वहां, वो प्रतिमाएं कपड़े वाली होंगी कि बिना कपड़े वाली? जल्दी बात कर रहे हो यार आप, ये कोई प्रश्न है आपका? कैसी होगी प्रतिमाएं? तो तीसरे काल में जैसी प्रतिमाएं थी तो चौथे काल में प्रतिमाएं कैसी बनती होगी भाई साहब? तो पंचम काल में कैसी बना रहे हो आजकल आप? वैसी बना रहे हो। तो चौथे काल के जैन कैसे होते होंगे और पंचम काल में कैसे होंगे? अरे भाई साहब, काल से फर्क नहीं पड़ता है, कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो आप? क्षेत्र काल परिस्थितियों से आप प्रभावित रहे, ये जैन धर्म है,
काल का प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं जी साहब फिर भी खत्म, अरे ये खत्म नहीं होगा तो अपने आप को सवाल तेरा क्या होगा। समाज की चिंता मत कर, धर्म की चिंता मत कर, जैन धर्म की चिंता मत कर, तू अपने आप की चिंता कर कि यदि ये जैन धर्म के संस्कार मेरे में स्थिर नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, ये भव मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं मर करके कहां चला जाऊंगा, ये अपने आप की चिंता करने की जरूरत है, किसी और की नहीं। अच्छा पंचम ग्रह में नरक कैसा होता है भाई साहब, और चौथे वालों के लिए और छठे वालों के लिए, तो स्वर्ग में कुछ सब जगह पर एक जैसी स्थिति है, सब जगह पर एक जैसी है। बोलो चौथे काल में रोटियां बनती होगी तो कैसे बनती होगी, वही गैस पे सिकती होगी, आंच पे सिकती होगी ना, आग पे ही। अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो साहब, चौथे काल में तो ऐसे रखते थे उसके अपने परात में और रोटी सिक जाती थी, क्यों ऐसे हो जाता होगा, बेलन से बेलते समय उस चकले पर ही उसी के ऊपर रोटी अपने आप सिक जाती थी चौथे काल में, तो नहीं हो सकता। हर काल में वस्तु का स्वरूप एक जैसा रहता है, वस्तु का स्वरूप अपरिवर्तनीय है, त्रिकाल एक जैसा रहने वाला है। ये स्वरूप यदि किसी ने वर्तमान में प्रचारित किया तो वे गुरुदेव श्री हैं क्या, और ये बात उनको जहां से मिल गई वे टोडरमल जी हैं, वे कुंदकुंदाचार्य देव हैं, वे अमरचंद्राचार्य देव हैं, ये बात उनको जो मिल गई है हमारे महाभाग्य से, भगवान महावीर स्वामी से चली आई हुई ये प्योर बात, कल कही थी मैंने वहां पंचकल्याणक में, 24 कैरेट गोल्ड ही हमारे हाथ में आ गया है, इसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल भी, कितने भाग्यशाली हैं हम, दुनिया में इधर उधर भाग्य आजमाने की जरूरत नहीं है। जिसे ये तत्व ज्ञान मिल गया है, जिसे इस चर्चा की रुचि उत्पन्न हो गई है, वो भाग्यशाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, रिटर्न में कह रहे टोडरमल जी, 17 नंबर का पेज है, श्रोता का स्वरूप पहली लाइन है, भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, ये लिख रहे हैं यहां। भली होनहार है किसकी, भली होनहार है बतलाओ, भली होनहार किसकी है, जिसके करोड़ों का बिजनेस चलता है, भली होनहार किसकी है, जिसका भरा पूरा परिवार है, भली होनहार किसकी है, आज 70 साल की उम्र में भी बच्चे और पोते सब मेरी सुनते हैं, मेरी एक इशारे पर काम करते हैं, कितनी भली होनहार है, इससे अच्छा क्या होगा, बोलो इसका नाम भली होनहार है, उंगली के इशारे पर समाज वाले इधर उधर घूमते हैं, इसका नाम भली होनहार है, कहां कहां हमारे को भली होनहार दिखाई देती है। अरे दुनिया में तीव्र से तीव्र पुण्य का उदय हो लेकिन जिनवाणी सुनने का विकल्प नहीं आए, तो टोडरमल जी कहते अभागा है, अभागा है जिसे जिनवाणी सुनने का विचार नहीं आता है, और भाग्यशाली है वो जो जिनवाणी मां की शरण में आ गया है, जिसे तत्व ज्ञान मिल गया है, जिसे वीतरागी जिनेन्द्र देव की वाणी सुनने का अवसर मिल गया है, वो भाग्यशाली है। हम कितने भाग्यशाली है भाई साहब जो ये बात मिल गई है, इस पंचम काल में चौथे काल जैसी बात मिल गई है हमारे को। कल वहां कही मैंने प्योर ज्ञान कल्याणक के प्रसंग पर, पंच कल्याणकों में कहा करता हूं हमेशा ये बात कि हमारे जैन मंदिर समोह शरण का प्रतीक है, सब जगह पर पंच कल्याणकों में कहता हूं, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन मेरा प्रवचन होता है ना सब जगह, तो एक ही बात है हमारे जैन मंदिर समोह शरण का प्रतीक है। समोह शरण कैसे, कैसे समोपशरण, समोपशरण वो होता है जहां भगवान भी होते हैं और भगवान की वाणी भी होती है, अकेले भगवान उसका नाम समोपशरण नहीं है, अकेले भगवान उसका नाम समोपशरण नहीं है, भगवान की वाणी भी तो होनी चाहिए, और हमारे जिन मंदिरों में भगवान भी विराजमान है और भगवान की वाणी भी चलती है, इसलिए समोपशरण का प्रतीक है। डेली स्वाध्याय होना चाहिए, स्वाध्याय भवन बनाओ बहुत अच्छा, बहुत भावना से बनाओ, जिन मंदिर बनाओ भगवान विराजमान करो, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करो, जैन धर्म की मत सोचो, अपने बच्चों में संस्कार की सोचो, आप समझ रहे हैं। अरे नहीं नहीं हम कुछ कर जाएंगे तो जैन धर्म का नाम रोशन, जैन धर्म का नाम रोशन होगा, जैन धर्म का नाम तीन लोक में रोशन है, हम क्या रोशन करोगे, तीनों लोकों में ये हमारे जो महावीर भगवान है ना, ये आदिनाथ भगवान वेदी में विराजमान है, ये भगवान त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, तीन लोक के नाथ हैं,
तीन लोक में इनकी पूजा होती है कि नहीं नहीं साहब, तीन लोक में कहा, कैसी बात कर रहे हो, तीन लोक में हमारे बगल में शर्मा जी रहते हैं, वो तो पूछते ही नहीं है। कैसे कैसे कह रहे हो आप इनको, कैसे कह रहे हो कि त्रिलोकी नाथ है, हम कैसे माने, बोलो। बुरा मत मानना, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, जिनको आता हो वे भी जवाब नहीं दे रहे, जिन्हें नहीं आता हो मैं समझ लेना, छोटा सा प्रश्न है, कई बार सभाओं में पूछ करके देख चुका हूं, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं पूछ रहा हूं, और मुझे भरोसा है यहां बैठे हुए भी आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। कोई धर्म का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। बोला अम्मा जी, राष्ट्रपति कौन से आजकल, राष्ट्रपति का नाम क्या है, दावे के साथ कह सकता हूं, इधर उधर आपके चेहरे घूमते हुए दिखा रहे हैं कि कितनों को पता है, क्या कोई कठिन प्रश्न नहीं है, सही कह रहा हूं मैं, राष्ट्रपति का मतलब जानते हैं, राष्ट्रपति माने कौन है, राष्ट्रपति माने भारत का नाथ, भारत का शासक है, प्रथम नागरिक भारत का, भारत में मतलब सबसे नंबर वन है ना, सबसे राजा है ना, वो भारत का राजा है, भारत का नाथ है, सब कुछ है वो भारत में, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो आप नाम ही नहीं जानते आधी से ज्यादा जनता, तो बाहर निकल करके रिक्शे वालों से पूछोगे हमें कहीं पर, हमें क्या पता कौन है, प्रधानमंत्री को तो सब जानते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को तो सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का नाम कितने लोगों को पता है, बोलो, राज्यपाल का नाम कितने लोगों को पता है आपके यहाँ के, बोलो, क्यों आपके एमएलडी का है ना राजा, वो प्रथम नागरिक, कितने लोगों को राज्यपाल का नाम पता है। अरे भाई सुनो, तुम्हारे पता होने और नहीं पता होने से उसके भारत का नाथ होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के जितने मिनिस्टर हैं वो उसे जानते हैं, भारत में जितने आईएएस ऑफिसर हैं वो उसे जानते हैं, बड़े बड़े लोग उसे जानते हैं, अरे साधारण से लोग नहीं जाने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पड़ोस वाले साधारण से व्यक्ति महावीर भगवान को माने या न माने, ऊर्ध्व लोक के सौदरवादी इंद्र उनके चरणों में झुकते हैं, और मध्य लोक के चक्रवर्ती जिनके चरणों में झुकते हैं, और अधोलोक के नागकुमार जाति के देव जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे वे त्रिलोकी नाथ हैं हमारे महावीर भगवान। इससे क्या फर्क पड़ता है, साधारण लोग जाने चाहे नहीं जाने, साधारण लोग उनको पूजे या नहीं पूजे, उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे उनके त्रिलोकी नाथ बने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे तीन लोक के नाथ हैं, उनका शासन चलता है यहाँ तीन लोक के नाथ का। आपके यहाँ भले ही नरेंद्र का राज चलता हो, लेकिन तीनों लोकों में यदि किसी का राज चलता है तो उनका नाम है जिनेन्द्र। क्या तीनों लोकों में जिनेन्द्र का शासन चलता है, हमें महाभाग्य से हमारे को ये जैन कुल मिल गया है, हमारे को महाभाग्य से ऐसे देव मिल गए हैं, हमारे को महाभाग्य से ऐसे परमात्मा मिल गए हैं, जो परमात्मा हमारे को क्या देखते हैं, मनुष्य नहीं देखते, सारी दुनिया हमारे को भक्त देखती है, अरे ये सच्चा भक्त है, ये सच्चा भक्त है, लेकिन ऐसे भगवान मिल गए हैं जो हमारे को भगवान देखते हैं, जो द्रव्य दृष्टि से हमारे को परमात्मा देखते हैं, जो ये कहते हैं तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम्हारे में परमात्मा बनने की ताकत है, तुम्हारे में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, आज बैठे बैठे तुम अपने आप को परमात्मा रूप अनुभव कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तुम अभी अनुभव करो तुम परमात्मा हो, तुम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये वाणी बतलाने वाले गुरुदेव मिल गए जिन्होंने खोल खोल करके शास्त्र दिखा दिए, देखो योगसार की गाथा में लिखा है, देखो यहाँ ऐसा लिखा है, देखो कुंदकुंडाचार्य 186 में लिख रहे हैं, देखो 22 नंबर इसमें लिख रहे हैं, अरे कदम कर खोल खोल करके दिखा दिए उन्होंने शास्त्र, तुम पढ़ो तो सही, तुम देखो तो सही, रिटर्न में दे करके जा रहे हैं, तुम्हारे भाग्यशालीपन का सर्टिफिकेट रिटर्न में लिख करके गए हैं, बोलो आप इससे ज्यादा तुम्हारे को क्या चाहिए, लिख करके दे गए हैं, तुम कितने भाग्यशाली, और फिर भी यदि तुम इस बात को स्वीकार नहीं करो तो एक वाक्य और लिख दिया 20 नंबर पेज पर आगे चल करके, ये तुम्हारे अवाक्य की महिमा तो हमसे क्या है, तुम्हारे को यदि ये बात समझ में नहीं आ रही है फिर क्या कहें हम तुम्हारे को, बहुत भाग्यशाली है सच में,
आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं, मेरे दो चार प्रवचन हैं मेरे विदेशों में किए हुए, एक सिंगापुर का प्रवचन है मनुष्य जन्म की दुर्लभता पर, एक नैरोबी का है अफ्रीका का, और एक अभी 2-5 दिन पहले ही अपलोड किया है, सिंगापुर में भी था 8-10 दिन से, वहां जीवन बीत चला। ये 2-4 कुछ ऐसे प्रवचन है जिन प्रवचनों में दुर्लभता की चर्चा की है विस्तार से, झकझोर देने वाले हैं। एक एक बार किसी अनजान व्यक्ति को जो धर्म मार्ग पर नहीं लगा हो ना, और यदि वो व्यक्ति उसे सुने तो उसे लगे कि सच में यार ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज दिन में बैठ के आया आपके वहां बड़नगर में, 5-7 दिन पहले डेथ हो गई थी 21 साल के बच्चे की, उनके यहाँ दिन में जाकर के आया, ऐसा लगता है ना अपने को यार 21 साल का चला गया, ये क्या हो गया, अपने को कैसे लगने लगता है, एकदम झटका लगता है। लेकिन कितनी देर के लिए, ये मनुष्य जीवन का जो डीजल और पेट्रोल है, ये कौन से क्षण कौन से गली मोहल्ले पर जाकर के एकदम झटके से बंद हो जाएगा पता नहीं लगेगा। गाड़ी रिजर्व में चल रही है भैया, रिजर्व में चल रही है गाड़ी, तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है, हमारी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है गाड़ी रिजर्व में चल रही है। और जब गाड़ी रिजर्व में चल रही होती है, मोटरसाइकिल रिजर्व में चल रही है मान लो आपकी, और यहाँ दौड़ा रहे हो आप, और आप अरे अभी तो चलेगी यार, अभी तो चलेगी, अरे चला तो दौड़ रही है गाड़ी, और चलते चलते क्या होता है, फिर किसी मोड़ पर आकर के एकदम झटके दे, क्या होता है, ये क्या हुआ और ये क्या हो गया, अब इसे कैसे, ये पेट्रोल खत्म हो रहा है आयु गर्म वाला, मनुष्य जीवन का आयु कर्म वाला जो पेट्रोल और डीजल है ये प्रति क्षण खत्म होता जा रहा है। इसलिए अपना हित अपने को कर लेना चाहिए। सोचो अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, लेकिन क्या सोचो, ये संस्कार कैसे पड़े, अपना अच्छा भव्य जैन मंदिर हो, जैन वाणी हो, प्रतिदिन स्वाध्याय हो, नियमित यहां बैठ करके पाठशालाएं चले, 3-3, 4-4 समय यहाँ स्वाध्याय करने वाले लोग बैठते हो, जिन मंदिर में आते ही एकदम ऐसी ऊर्जा मिले, जहाँ संस्कार पढ़ते हो अपने आप, ऐसा कुछ काम होना चाहिए। जय कुमार जी साहब, ऐसा कुछ काम होना चाहिए यहाँ बैठ करके, ऐसे नहीं चलेगा, आ गए चले गए सुन लिया बैठ गए, ऐसे नहीं, कुछ हिम्मत होनी चाहिए, कदम बढ़ाओ, सारी दुनिया साथ में है, उसमें क्या है, पूरा देश आपके साथ में है, कदम बढ़ाओ उत्साह से, हमारे कदम कहीं दूसरे भाव की तरफ न चले जाएं, उसके पहले पहले हमारे बच्चों के पैर रखने के लिए, कदम रखने के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, ऐसी भावना सबको बहुत अच्छे रीति से बनानी चाहिए, बनाना चाहिए। बहुत भाग्यशाली लोग हैं ऐसे जिन्हें ऐसा विचार आता है और ऐसा विकल्प आता है अपने स्वरूप को जानने का। उन भाग्यशाली लोगों में से हम भी एक हैं। इस तरह हम लोग यदि अपने भाग्य को जानेंगे, अपने भाग्य को गहराई से समझेंगे, तो इस भाग्य को बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपने दुर्लभ जीवन के अमूल्य क्षणों को जिनवाणी की छत्र छाया में, माँ जिनवाणी के सानिध्य में रहते हुए सार्थक करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। हाँ बोलिए सर। ग्रहित मिथ्यात्व जैसे आप छूटा हुआ समझ रहे हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व भी छूटा हुआ नहीं है क्या? हम सिर्फ अन्य देवी देवताओं के आगे मस्तक नहीं झुकाते हैं, ये तो उपलब्धि है बड़ी, क्योंकि उसे तो टोडरमल जी साहब ने 6वें अध्याय में लिखा, पेज नंबर 192 192 नंबर पेज पर ऊपर लिखते हैं वो, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसे छोड़ना। ये तो पंडित जी साहब कह रहे हैं, तो महापाप से हम बच गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 70 गोड़ा गोड़ी का बंधन नहीं हो रहा है क्या? वो ग्रहित अग्रहित की अपेक्षा से नहीं है, वो तो दर्शन मोहनी जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो 70 गोड़ा गोड़ी सागर का बंधन लिए हुए बैठा हुआ है, वो निरंतर उसका बंधन चल रहा है। इसलिए जो किया सो तो अच्छा, टोडरमल जी की भाषा में कह रहा हूं, तुमने जो किया सो तो अच्छा, लेकिन संतोष बदल जाना,
क्योंकि ग्रहित मित्रत्व की भी परिभाषा है बहुत तरह की है। मेरा एक मित्र विज्ञान पाठमाला में कहीं ग्रहित अग्रहित के संदर्भ में पाठ है तो उसमें काफी खोला है मैंने इस चीज को। आपको लग रहा है हम तो उनके जाते ही नहीं, हम तो उनको ढूंढते ही नहीं है। अरे भगवान महावीर स्वामी के पास आकर के जो मैंने अंदर दूसरे भिखारियों की बात कही थी वो ग्रहित मिथ्यात्व है। हम उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहा है हमारे यहाँ जनाधम में। ग्रहित मिथ्यात्वियों के सानिध्य में बैठने का नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। हमारे यहाँ जनाधम में जो 6 अनायतनों की चर्चा की है बहुत खतरनाक है। कभी चर्चा गहराई से कर करके देखो तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, क्योंकि मेरे मामा जी ऐसे हैं, मेरे चाचा जी ऐसे हैं, मेरे भाई साहब ऐसे हैं, मेरे फूफा जी ऐसे हैं, मेरे बुआ के लड़के ऐसे हैं, मेरे भतीजे ऐसे हैं, मेरे भाई साहब ऐसे हैं, मेरे ताऊ जी ऐसे हैं, सब मिलेंगे चारों तरफ। और क्या कह रहे हैं, अनायतन अनायतन अनायतन, प्रशंसा नहीं, संपर्क नहीं, समागम नहीं, दूर से हाथ जोड़ते हैं। ये क्या कह रहा है जनागम, माने जनवाणी माँ है भाई साहब, कुछ भला कर रही है जनवाणी माँ। माँ के सानिध्य में रहने वालों का कभी अहित नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता। माँ के सानिध्य में चलने वालों का जनवाणी माँ जो राह हमारे को दिखा रही है, उस रास्ते पर चले हैं, उस राह पर चले हैं तो निश्चित तौर पर कभी दुखी नहीं होंगे और अल्प काल में अनंत सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन चलना पड़ेगा माँ जनवाणी के बताए हुए मार्ग पर। हम सभी इस मार्ग पर चले, इसी भावना से बात को यही।